हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक। तुम सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं प्रैक प्रोसेसर के और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले वीडियो में। और गाइज, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर और बहुत सारे कैलेंडर के रिवार्ड्स के ऊपर और कुछ गेमप्ले भी करेंगे खतरनाक। मेरे को कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी मिले थे। तो गाइज, आर्ग्यूमेंट्स का क्या चीज़ है, मतलब वो क्या चीज़ है और इसका यूज क्या है, तो वो गाइज तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है लेवल 8 पे अवेलेबल होगा और यहाँ पर जितना भी चीज़ है इसमें आर्ग्यूमेंट्स का कोड मिलेगा और आर्ग्यूमेंट्स का मॉड्यूल मिलेगा और आर्ग्यूमेंट्स का ब्लूप्रिंट मिलेगा। ठीक है, तो इतना सब चीज़ नया नया जो वॉल्यूम 4 का अपडेट आया तो इसमें बहुत सारा चीज़ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, तो काफ़ी अलग अलग टाइप का चीज़ है। तो जैसे जैसे गए तुम्हारा भाई यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो वैसे वैसे हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे बताते जाएंगे आगे की ओर। तो जो भी चीज़ था वो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में दिखा दिया। एंड गाइज, यहाँ पर हम लोग को ये डेली रिवार्ड्स हर दिन देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आंसर को सही कर दिया। यहाँ पर मिस जे जो है वो ग्रेनेड वाला है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को 150 जेम्स और 1500 गोल्ड और बहुत सारे यहाँ पर मेरे को रिवार्ड्स मिल चुके हैं। और अभी गाइज, यहाँ पर बहुत दिन से मैं कैलेंडर का एक भी चीज़ ओपन नहीं किया था और कैलेंडर में इतना रिवार्ड्स मेरे को मिलेगा मेरे को पता भी नहीं था। तो तुम्हारा भाई जो है ना आज फ्रैक प्रो शूटर के इस वाले वीडियो में गाइज टोटल कैलेंडर्स का जितना भी रिवार्ड्स है, यानी कि तुम जितना खेलोगे उस हिसाब से गाइज कैलेंडर में जितना है तुम्हारा, उस हिसाब से रिवार्ड्स तुम क्लेम करते जा सकते हो। तो कैलेंडर में बहुत सारा चीज़ है जिसमें बहुत सारा कैरेक्टर गोल्ड और जोकर कार्ड भी यहाँ मिलेगा। जैसे देख लो गाइज, रेयर जोकर कार्ड, तो जोकर कार्ड का क्या यूज़ होता है गाइज तुमको हम बता चुके हैं कि जोकर कार्ड्स का यूज़ करके तुम कोई भी कैरेक्टर्स को लेवल अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि जिस टाइप का जोकर कार्ड हो, यानी कॉमन हो तो कॉमन जोकर कार्ड यूज़ कर सकते हो, रेयर हो तो रेयर जोकर कार्ड यूज कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ मिलेगा। ये देखो गाइज, ये एक न्यू हीरो मिला था, न्यू फ्रैक तुम बोल सकते हो, कैरेक्टर्स जो भी बोलो गाइज, तो एक नया चीज़ देखने के लिए मिला था। तो इसका गेम प्ले गाइज आज हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। एंड गाइज, यहाँ पर देख लो मिल चुका है ईगल आई कॉमन कार्ड, ये कैंपिंग वाला एक करेक्टर है और ये बिग पाकू भाई लॉन्चर फेंक फेंक के मारता है। तो बहुत सारे यहाँ पे रिवार्ड्स है गाइज, बहुत दिनों से मेरे को कुछ सब्सक्राइबर्स भी बोले कि सौरभ भाई आप कैलेंडर्स में जितने रिवार्ड्स है वो सब आप क्लेम क्यों नहीं करते हो। तो वही सोच रहे थे गाइज कि हमको जो है यहाँ पे क्लेम करना भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे जो ना अब रेगुलर यहाँ पे क्लेम करते जाएंगे। और देख लो यहाँ पे कॉमन जोकर कार्ड मिल चुका है, ठीक है भाई। और इसको जो है ना हमको अगर हम इसमें 1800 रुपया लगाएंगे ना भाई, तो यहाँ पर जो है ना हमको प्रीमियम रिवार्ड्स भी मिलेगा। तो प्रीमियम में बहुत सारा प्रीमियम चीज़ मिल जाएगा भाई, लेकिन भाई कौन लगाता भाई पैसा वैसा, उतना मत लगाओ भाई, कितना गेम है गाइज और इतना पैसा वैसा लगाएंगे तो भाई उड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद गाइज, यहाँ पे वेंडल इसमें से बहुत सारा चीज़ मिला और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। और जोकर कार्ड मिल चुका है, चलो ठीक है, 4008 जोकर कार्ड हो चुका है हम लोग के पास। और यहाँ पर गोल्ड हो गया गाइज, तो गोल्ड हम लोग के पास और भी ज़्यादा होते जा रहा है। एंड अब ये क्या है भाई, 48 कॉमन कार्ड है गाइज, यस कॉमन कार्ड यहाँ पे मिला। और यहाँ पे भाई डॉक्टर फ्रोस्ट और रेयर, वो क्या बात है गाइज, एवेलेंच वाला ये जो कैरेक्टर्स ये मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है गाइज। तो बहुत सारा यार रिवार्ड्स था, हमको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कैलेंडर्स में हम भाई कभी कैलेंडर्स पे अच्छा से क्लिक करते ही नहीं थे और रिवार्ड्स हम देखते ही नहीं थे, बट भाई कैलेंडर्स में भाई बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स यार। अगर तुम लोग भी बिगिनर्स प्लेयर और कैलेंडर में अगर रिवार्ड्स चेक नहीं किए हो तो गाइज चेक कर लेना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तुमको रिवार्ड्स देखने के लिए मिलेगा। देखो भाई यहाँ पर चेस्ट ओपन हो गया है और इसमें से भाई यहाँ पे चिप्स निकला है, रिसोर्सेज भाई, ये चिप्स का यूज़ किया है अभी तक सोचे नहीं यार, कभी यूज किए नहीं, वो स्किन वाला जो टोकन था ना उसका यूज़ किया था। और गाइज ये जो है कुछ इक्विपमेंट है जिससे कि तुम्हारा डैमेज कैरेक्टर का जो एबिलिटी है ना उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है ये सब इक्विपमेंट यूज करने से। तो भाई इपिक का मिला पावर सर्ज एम्पलीफायर, क्या बात है भाई। तो ये जो है ना इक्विपमेंट वाला एक चेस्ट था, तो चलो अभी यहाँ पे ये वुडन टाइप का देखने में लुक है जिसमें गोल्ड मिला और कौन सा चीज़ मिल रहा है, स्नो एक विंटर वाला कैरेक्टर्स। एंड यहाँ पे भाई भी वेलकाइडी और वेंडेलियो, वेल किया नाम है भाई वेंडेलियो, बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। और भाई रेयर जोकर कार्ड, तो भाई इतना चीज़ यहाँ पे था, इतना ज़्यादा चीज़ था भाई फ्रैक प्रो शूटर में। और भाई 200 चिप्स गाइज, तुम लोग मेरे को एक चीज़ कमेंट में बताना, वैसे हम देख लेंगे ये चिप्स का क्या यूज होता है गाइज, हमको पता नहीं है फिलहाल, लेकिन हमको चिप्स देखना पड़ेगा। और भाई कितना चीज़ मिल रहा है गाइज यार, सही में यकीन नहीं हो रहा, हम भाई इसको ओपन किए नहीं थे, लेकिन यार तुम लोग में से कोई कोई हमको बोल रहा था कि सौरभ भाई क्यों नहीं ओपन करते हो, तो गाइज मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था, सीरियसली गाइज मेरे को पता रहता तो भाई इसको हम छोड़ते भाई, इतना ज़्यादा रिवार्ड्स गाइज मिल रहा है। और भाई यहाँ पे देखो क्या मिलता है भाई, कॉमन जोकर कार्ड, इसमें जो लक पे डिपेंड होता है, रेयर भी मिल सकता है कॉमन भी मिल सकता है, तो व्हाइट वाला जो सिंबल बना हुआ है। और भी देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है भाई, फिर से वुडन चेस्ट और इसमें से फिर से गोल्ड,
भाई भर दिया यार, गेम जो है ना एक नंबर है भाई, एकदम मस्त मस्त रिवार्ड्स मिलता है, बहुत सारे करेक्टर्स मिलते हैं। गाइस तुम लोग को जो है ना थोड़ा बहुत देखो, अभी जो भी गेम खेलोगे ना ऑनलाइन तो उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, बट गाइस ये फुल्ली जो तुम बोलोगे ना पे टू विन भाई ऐसा गेम नहीं है भाई, मस्त गेम है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ना सब लोग अपना कोई भी गेमिंग गेम को डेवलप करेगा थोड़ा बहुत तो वहाँ पे वो लेगा ही ना, तो वही बात है गाइस। तो मेरे को तो इस गेम में वैसा कुछ ज़रूरत लगा नहीं है कि भाई गेम में पैसा वैसा खर्च करना चाहिए। तो स्पेशली गाइस तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या मज़ा आ रहा है गाइस इतना चीज़ रिवार्ड्स देखकर, भाई इतना कैरेक्टर्स मिल रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पर जोकर कार्ड्स गोल्ड, भाई क्या क्या चीज़ नहीं, इक्विपमेंट तक मिल गया, और ये इसका रूल्स है। तो जितना रिवार्ड्स था गाइस ऑल टू ऑल तुम्हारा भाई यहाँ पे क्लेम कर लिया था, और रूल्स भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना हर दिन एवरी डे यहाँ पे चेक करना है, तो उस हिसाब से गाइस यहाँ पे रिवार्ड्स मिलता है। और यहाँ पर भी कुछ फ्री का रिवार्ड्स मेरे को मिल रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या है भाई यहाँ पर। अच्छा जेबी वाला करेक्टर्स, चलो सही है। और यहाँ पे देख लेते हैं गाइस ये एडकेट मोड का जो है ये हमको हर दिन खेलना पड़ेगा। चलो आज एडकेट मोड का गेम प्ले भी तुम लोग को हम दिखाएंगे। और इसमें हमको फिर से चिप्स मिला भाई, चिप्स बहुत ज़्यादा हो रहा, और कॉमन वाला मिला है इक्विपमेंट, और ये रेयर वाला एसॉल्ट ये आई थिंक गन वाला जो इक्विपमेंट है मेरे ख्याल से। तो चलो गाइस अब बिना लेट किए हुए हम लोग गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं, और तुम्हारा भाई यहाँ पर 1v1 का बैटल स्टार्ट कर चुका है, वो भी एडकेट मोड में। एंड हम लोग अभी जो कैरेक्टर्स यहाँ पे जो कुछ न्यू कैरेक्टर्स अपन लोग के निकले थे और जो कि एडेना 5 में अभी हमें तुमको पता है, तो हम लोग जल्द से जल्द एडेना 6 में भी पहुँचेंगे गाइस जल्दी। और यहाँ पर देख लो गाइस यहाँ पे फाइट हो चुका है मेरा एडकेट मोड में, और ये बंदा भाई मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गया, और मेरा हेल्थ यहाँ पे ख़त्म हो गया है भाई, हेल्थ पूरा ख़त्म हो गया, गए हमको यहाँ पे मार दिया भाई, लेकिन हम भी इसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया। पीछे भाग रहा है देख लो, यहाँ पे पीछे भागना स्टार्ट। चलो अब हम मिमी का यूज़ करेंगे गाइस, स्पेशली मेरे को डिफेंस कैरेक्टर में जो मिमी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये शील्ड बना के जो मारती है ना आर पार भाई बंदे को जो ना एकदम हालत ख़राब कर देती है। चलो यहाँ पे देख लेते गाइस, और यहाँ पे बहुत सारा जंप, ये देखो शील्ड बना है, और उसके बाद ग्रोपलिंग गन से हम यहाँ पे मारना स्टार्ट करते भाई, दो एक और शील्ड बना लेते भाई, इसको तोड़ ही देगा। तो गाइस देखो ये सब को भाई मारना स्टार्ट, और भाई शील्ड इस बार जल्दी बना लिया गाइस, मेरे को पता नहीं था इतना जल्दी शील्ड बना लेंगे, और भाई मज़ा आ गया यार, मिमी का बात ही कुछ और है। तो खैर गाइस हम लोग यहाँ पे अब आते हैं इसका बंकर तोड़ने, लेकिन उससे पहले यहाँ पे शील्ड बना लेते हैं कि जब तक मैं ये मेरे को मारने का तब तक मैं इसका यहाँ पे जो है हम इसको डैमेज करना स्टार्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पर जो है सामने वाला भी एनिमी यहाँ पे मिमी यूज कर रहा है, तो वो भी मिमी वाला करेक्टर लेके आ चुका है, बट तुम्हारा भाई यहाँ पर जो है ये लोग को भाई यहाँ पे मार देगा यार, स्टंट कर दिया गाइस, यही एक दिक्कत होता भाई, मार दिया। देखो इक्वलाइजर वाला जो करेक्टर है भाई ये स्टंट कर देता है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाता। और ये नया वाला करेक्टर भाई इसका हेल्थ कम है, थोड़ा हेल्थ देख लेता भाई, कहीं मेडिकेट मिल जाएगा, मेडिकेट मिल जाएगा तो भाई हेल्थ बढ़ा लेंगे, भाई मेरा हेल्थ बहुत कम है। और भाई एनिमी भाई यहाँ पे मारना स्टार्ट भाई, चलो यहाँ पे एक मेडिकेट मिला 374, और गाइस यहाँ पर भाई देखो मेरे को मारना स्टार्ट, हम यहाँ पे इसका एक्टिव स्किल यूज़ किया, उधर से इधर भाग गए, और फिर से एक मेडिकेट यहाँ पे उठा ले, और भाई लॉन्चर फेंक को मारेंगे, रुको 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 इसको मारेंगे भाई, भाई तीन बंदा यार मेरे पीछे आ रहा है भाई, तीन बंदा यहाँ पे लॉन्चर फेंकते हैं भाई, भाई देखो यार कितना इन लोग को चकमा दे रहे हैं, तो फिर हमको मारते जा रहे हैं इसको, ये गया गाइस 45 को माइनस, लेकिन यहाँ पे हेल्थ कम हो गया फिर से। चलो वहाँ पे एक और मेडिकेट बन जाएगा, वो कूल डाउन खत्म होते वहाँ पे एक और मेडिकेट मिल जाता है हम लोग को। और यहाँ पे देखते देखते जो हम लोग सफाया कर दिया, और गाइस बंदे का पॉइंट अच्छा खासा कम कर दिया, और एक मेडिकेट और है तो वहाँ पर भी मेडिकेट यूज कर लेंगे। तो भाई ये वाला एपिक कैरेक्टर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है भाई, ये एकदम क्या बोलते हैं भाई फुटबॉलर टाइप का ना होता है, उस टाइप का देखने में लुक है इसका। एंड यहाँ पे देख लेते हैं और किधर है भाई, एकदम भागने का इसका स्टाइल, एक्टिव स्किल भाई बहुत जल्दी कूल डाउन इसका खत्म हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मस्त है। एंड स्टंट कर दिया गाइस, हम यहाँ पे तोड़ने आ रहे थे फिर से स्टंट भाई, तीन चार बंदे तो गए, तीन चार बंदे एक साथ कैसे आ जाता है यार, ये लोग पता नहीं भाई क्या बंदा है भाई, एक साथ तीन चार बंदे। चलो अब मिमी का यूज किया जाए क्या, नहीं यहाँ पे न्यू कैरेक्टर गए जिसका भी यूज करेंगे। तो चलो गए अब तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स, और ये रहा भाई यहाँ पर, भाई इस कैरेक्टर का यूज हम जो है ना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं भाई ये तो यहाँ पे लगा दे सर, ये जमाता है क्या यहाँ पे, पूरा यहाँ पे हेल्थ कम है बट फिर भी हम यहाँ पे मार देंगे। एंड गाइस यहाँ पे पूरा हेल्थ यहाँ पे उसका कम हो गया भाई, वो कैरेक्टर का यूज किस टाइप का समझ में नहीं आया हमको, अच्छा से देखना पड़ेगा और भी अच्छा से। एंड यहाँ पर जो कुछ देर के लिए बचा के रखता है आई थिंक, क्योंकि वो बर्फ टाइप का भाई सामने बर्फ लगा दिया था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया भाई वो कैरेक्टर का क्या एबिलिटी है। खैर यहाँ पे देख लेते गाइस, हम यहाँ पे जो इसका बंकर तोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे थे बट ये बंदे लोग भाई हमको मारते जा रहा था। चलो यहाँ पे जो है फिर से कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जो बंदे का इतना खतरनाक लेवल है ना भाई, यहाँ पे जो लेजेंडरी कैरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाता, बट गाइस हम यहाँ पे भाई दिए धून धून के भाई लोग को ख़त्म करके, और गेम हो गया यहाँ पे
पूरा यहाँ पे टाइमिंग खत्म और हम लोग खो चुके हैं विन। तो गाइज तुम्हारा भाई यहाँ पे मैच विन कर लिया। और गाइज कमेंट बताना कि गाइज फ्रैक प्रो शूटर गेम प्ले क्या तुम लोग को पसंद आ रहा है। हम लोग यहाँ पे रेगुलर वीडियो लाने का कोशिश करते हैं बट गाइज रेगुलर थोड़ा सा भी हम इधर कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, तो खैर कोशिश करेंगे रेगुलर यहाँ पे वीडियो लाने का। और आई होप यार तुम लोग को आज यहाँ पे बहुत सारा रिवार्ड्स भी दिखा, नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ क्रेजी सीन वाला देखते हैं क्या होता है। एंड कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एरिना 6 उसके बाद एरिना 7 भी जाना है। ठीक है तो मिलते गाइज और एक न्यू वीडियो के साथ, लाइक कर देना गाइज।